हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आपके अपने चैनल बीके सर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के बीच देखे नया नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी में पुलिस अवर निरीक्षक के रिक्त पदों की प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सीधी नियुक्ति हेतु विज्ञापन 5/11/2023 अंतिम तिथि जो है प्राप्त करने का अंतिम तिथि 5/11/2023। बिहार सरकार गृह विभाग के पुलिस अवसर निरीक्षक के पद पर रिक्तियां के अधिसूचना तो अनुसूचित रिक्तियां के देखिए कितना है तो 1275 1275 सीट की रिक्तियां निकाली गई है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए विज्ञापन संख्या 2/23 यहाँ जारी किया जाए। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 5/10/2023 से प्रारंभ होगी। उक्त पदों पर चयन के लिए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। एक अभ्यर्थी द्वारा मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भरा जा सकता है। बिहार सरकार गृह विभाग के पुलिस अवर निरीक्षक के पदों पर नियुक्ति होती राज्य सरकार द्वारा विभिन्न बिहार पुलिस मुख्यालय कल्याण 2/23/20/9/2023 द्वारा प्राप्त पदों बिहार पदों सेवा रिक्तियाँ का आरक्षण। तो देखिए ये सारा कुछ प्रक्रिया दिया हुआ है। तो आपका कौन सा वैकेंसी, दरोगा की वैकेंसी आई हुई कितना है 1275 पोस्ट है। और देखिए इसमें क्या क्या है, इसकी लास्ट डेट कब तक है, कब से फॉर्म भराएगा, सारा कुछ वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। तो देखिए शैक्षणिक योग्यता 1/8/2023 तक किसी मान्यता विद्यालय में स्नातक परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उम्र सीमा 1/8/2023 के आधार पर ही होनी चाहिए। अभ्यर्थी की उम्र दिनांक 1/8/2023 को मैट्रिक अथवा समक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होना चाहिए। कोटि इसमें न्यूनतम आयु सीमा 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, महिलाओं के लिए 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा पुरुष महिलाओं के न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष है। बिहार में वैसे सरकारी सेवा के उच्चतर वेतन के जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा भाग ले अधिकतम आयु 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। आरक्षित एवं वर्ग पिछड़ा वर्ग पुरुषों के न्यूनतम आयु 165, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी वर्ग महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, ये सारा कुछ दिया हुआ है। बिना फुलाए फुलाकर 86 सेंटीमीटर, बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए सीमा की मापी नहीं होती है। वजन सभी वर्गों के महिला उम्मीदवार के न्यूनतम 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। किन्नर, कोथी, इजड़ा, रजिस्ट अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा मापदंड पिछड़े वर्ग के महिला अभ्यर्थी के समान होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक पत्र होगा जिनमें कुल प्रश्न संख्या 100 होगी एवं अवधि 2 घंटों की होगी। 30% कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के असफल घोषित किए जाएंगे। परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों का आधार परीक्षा 20 गुना सफल होगी। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा सहवर्ती का मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। परीक्षा में 2 प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र 200 अंक का समान हिंदी 2 घंटे 100। तो ये सारा कुछ प्रक्रिया है, इसमें आप लोग देख लेंगे एक बार बढ़िया से अपने से। गोला फेंक 16 पाउंड 16 फीट फेंकना है, महिलाओं के लिए 12 फीट 10 फीट। देखिए दिनांक 20/9/2023 प्राप्त अधिसूचना के अनुसार नियुक्ति पुलिस परीक्षक होंगे। तो देखिए इसका दिनांक जो है 5/10/2023 से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाएंगे। कितना से 5/10/2023 से, और कितनी 1275 पोस्ट है, अच्छी खासी वैकेंसी है। तो आप लोग जी जान से मेहनत कीजिए, लग जाइए तैयारी में इसके। और आवेदन पत्र पर मूल 700 रुपया और ऑनलाइन आवेदन पत्र 400 रुपये, ये सारा कुछ दिया हुआ है। आप डेबिट कार्ड किसी कोई भी कार्ड से आप कटा सकते हैं पेमेंट। तो
अंतिम तिथि जो है 5/11/2023 तक रखा गया, 5/11/2023, मतलब मोटा मोटी कहने का अर्थ 1 महीना समय दिया गया आपको। तो आपके पास अच्छी खासी समय है, तो आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उम्मीद करें आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।